फास्ट फूड ऑर्डर करता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ कहवा अच्छा नहीं लग रहा। इसकी जरूरत नहीं, दरअसल हम लोग जरा चलती में हैं। इस तस्वीर के बारे में जानना मेरे लिए जरूरी है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र मत करो बेटा। इतनी फाइल्स में से किस तरह ढूंढेंगे? पेपर को देखो तस्वीर के, ये पेपर 90 की दिहाई में इस्तेमाल होता था फोटो के लिए, अब ये ब्रांड मौजूद नहीं। इस फोटो में बच्चे की उम्र 4 या 5 साल की नजर आती है। फिर तो अब ये तुम्हारी उम्र का होगा। मिल गई मुझे। अजीब इत्तेफाक है, तस्वीर बिल्कुल असल है, गालिबन 2 प्रिंट निकले होंगे। वो एक तस्वीर ले गए और दूसरी भूल गए, ये लो। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूं बहरान, घर से भाग जाने वाली लड़की को दोबारा इस हवेली में कैसे ला सकते हो तुम? वो भागी नहीं थी, अगवा किया था उसे। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे कॉल की थी और कहा कि मुझे ले जाओ। शाबाश है तुम पर, अब हम अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? वो तो ये सुन चुके हैं कि भाग गई है, वो कोई यकीन नहीं करेगा। इसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई और इसका जवाब दे नहीं, आप पुरसुकून हो जाएं। अभी से ज्यादा अहम मसला दरपेश है, शायद जेबदत को जहान ने मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? गायब है वो, शायद गोली मारकर कहीं छुप गया है। बेवकूफी की उसने, अब क्या करेगा वो? उसे ढूंढना होगा, जेबदत तो अभी जिंदा है, लेकिन अगर वो मर गया तो मैं जेहान को नहीं बचा पाऊंगा। या अल्लाह रहम फरमा, अगर वो उसे दोबारा मारने के लिए हॉस्पिटल चला गया तो? तुम क्या कर रहे हो यहां? भाई मुझे पता चला था, कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई काम नहीं, जाओ तुम। जेबदत क्या अभी तक जिंदा है? फिर आता था उधर, जेहान को उसी ने सिखाया होगा। या अल्लाह खैर, मैं बस कपड़े बदलकर हॉस्पिटल जाता हूं, अगर जेहान यहां आए तो जाने मत दीजिएगा, वो हवेली से बाहर ना निकले। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वो लड़की घर छोड़ चुकी है, शादी भी खत्म हो चुकी है, तुम तो जानती हो। अरे बड़ा खानदान है ये, तो ये लोग भागी हुई लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये ठीक रहेगा, तुम डिजाइनर्स ढूंढ लो, फिर हम शादी की शॉपिंग के लिए चलेंगे साथ। अच्छा सुनो, मैं हवेली के बाहर खड़ी हूँ, चलो बाद में बात करते हैं, ख्याल रखो अपना, बाय। खुशामदीद दरिया खातून। शुक्रिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, कम चीनी वाली मसे की कॉफी बना दो तुम किसी के जाने की खुशी में, और सामान रूम में ले। दरिया खातून, बोलो क्या है? दरअसल वो वापस आ गई है। किसकी बात कर रही हो? दिलान साहिबा। किस तरह का मजाक है ये? कौन दुल्हन? कोई दुल्हन नहीं है यहाँ, अपने जहन में ये बात बिठा लो अच्छी तरह। कुछ याद आया? आप अपने पुराने कस्टमर्स का रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना, इस तस्वीर वाली फैमिली का पता या फोन नंबर मिल जाए तो?
मेरे पास तो नहीं है। मैंने ये दुकान सन 2000 में खरीदी थी, शायद पुराने मालिक को मालूम हो। सिर्फ नाम और पता बता दें। तलाश करता हूँ उसे, फिक्र मत करो, शायद वो अभी फोटोग्राफी कर रहा होगा। अपना नंबर छोड़ जाओ यहाँ, कुछ पता चला तो कॉल कर दूंगा। की जिम्मेदार मैं हूं। काश मैं इस आदमी को नहीं बताती तो ऐसा ना होता। मैं वापस हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी। मुझसे घर पे रहने का मत कहना, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम। कमरे से बाहर मत निकलना, वैसे ही मामला बहुत बिगड़ चुके हैं, कोई और मुश्किल मत खड़ी कर देना। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुश्रिम हो तुम और ताकतवर भी हो, सही कहा ना? मुझे मजबूर मत करो।